असल माई यूट्यूब फ्रेंड्स दिस इज मी नादिया मेहमान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फैशन ट्रेंड विद नादिया आई होप यूल गुड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसीलर की ये कंसीलर क्या है और ये हमारे मेकअप में क्यों इम्पोर्टेंट है कंसीलर का मतलब है हाइट कर देना गायब कर देना छुपा देना हमारे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं पिगमेंटेशन होती है ब्लैमिश होते हैं उसको हाइट करने का काम करता है कंसीलर सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्रॉपर स्किन केयर करें तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी अब बात करते हैं कंसीलर करता क्या है कंसीलर आपके इन परफेक्ट स्किन को परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करता है आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन होती है तो उसको हाइट करने में आपकी हेल्प करता है इसके अलावा ये आपके लिए हाइलाइटर का भी काम करता है हमारे हाइलाइटिंग एरिया को लाइटन अप करता है अब बात करते हैं हाउ टू चूज कंसीलर कंसी जब भी कंसीलर खरीदे तो उसको आप कभी भी अपने हैंड पे ट्राई ना करें आप उसे अपने पिगमेंटेड एरिया पे ही चेक करें अगर आप अपने डार्क स्पॉट्स के लिए कंसीलर ले रहे हैं तो आप उसे अपने डार्क सर्कल्स पे ही चेक करें सेकेंडली आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही कंसीलर को सेलेक्ट करना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो तो आपने लिक्विड कंसीलर लेना है जल्दी से स्प्रेड होता है और मोर पिगमेंटेड होता है लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप क्रीमी कंसीलर या स्टिक कंसीलर यूज कर सकते हैं क्रीमी कंसीलर और स्टिक कंसीलर जो है वो कंपेरेटिवली मैट होते हैं और ब्लेंड होने में टाइम लगता है तो इसलिए ये ड्राई स्किन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपकी ऑयली स्किन है देन इट्स परफेक्ट फॉर यू नंबर थ्री कंसीलर इज नेवर मैचिंग टू योर स्किन टोन सबसे पहले आपने अपने फाउंडेशन का परफेक्ट शेड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपके फाउंडेशन का जो शेड है उससे एक शेड लाइटर आपने कंसीलर यूज करना है नंबर फोर अप्लाई कंसीलर आफ्टर फाउंडेशन ये सवाल अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है कि हमें पहले फाउंडेशन लगानी चाहिए या हमें पहले कंसीलर लगाना चाहिए तो कंसीलर जो है वो ज़्यादा पिगमेंटेड होता है और उसे आप अपने फुल फेस पर अप्लाई नहीं कर सकते फाउंडेशन जो है वो लेस पिगमेंटेड होता है और उसे आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने पूरे फेस पर कंसीलर अप्लाई करते हैं तो आपका मेकअप की ही हो जाएगा तो इसलिए फाउंडेशन लगाने के बाद जब आपके डार्क नजर आ रहे होते हैं तो कंसीलर उनको लाइटन अप करता है उनको हाइड करता है इसके अलावा कंसीलर की आपने हमेशा कम क्वांटिटी में यूज करनी है आपने ज्यादा क्वांटिटी में कंसीलर नहीं लगाना है अगर आपके डार्क सर्कल्स आपके पिगमेंटेशन ज्यादा है तो आप कलर करेक्टर का यूज कर सकते हैं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था पर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी आपको इकनी ब्लेमिशेस डार्क सर्कल्स का जो भी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो वॉच कर इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू आई होप के कंसीलर के मुतालिक जितनी आपकी कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी और आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह